आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये DRDO की तरफ से आ रही है। DRDO एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग बात करें इस डिपार्टमेंट के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप लोगों को मौका मिलता है इसमें अप्रेंटिस करने का तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट एलिजिबल है वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अप्लाई लिंक दी जाएगी, वहाँ से जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ आप लोगों को क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ITI कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ग्रेजुएट ITI वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, काफ़ी अच्छी लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, यहाँ एक्सपीरियंस एलिजिबल नहीं है, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, ये गाइस अप्रेंटिस रहने वाली है। और जो स्टूडेंट हमारे अप्रेंटिस नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें, ये 1 ईयर की होती है, 1 ईयर का प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। 1 साल में आप लोगों को हर मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, प्लस आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोग बड़ी बड़ी टॉप MNC कंपनी या फिर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज में आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो गाइस, आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। तो गाइस, हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और ये नोटिफिकेशन आ रहा है DRDO की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, सारी चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आप लोगों की जो मतलब ट्रेनिंग रहने वाली है, ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा के लिए, ITI वालों के लिए दी गई है। हैदराबाद आप लोग का रहने वाला है यहाँ पर डिवीज़न। साथ ही देखिए, यहाँ 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। कैटेगरी की बात करें तो चलिए यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर अपडेट बता देती हूँ। सबसे पहले ग्रेजुएट वालों की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में, जैसे अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है, मैकेनिकल में है, एयरोस्पेस या फिर एयरोनॉटिकल, केमिकल, मटेरियल साइंस, पॉलीमर या फिर मेट्रोलॉजी, इन सभी ब्रांचेस में आप लोगों की ग्रेजुएशन है तो सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 9000 सैलरी पैकेज रहेगा, ये आप लोग का स्टाइपेंड होता है। गाइस, स्टाइपेंड हमेशा आप लोगों को कम दिया जाता है, सैलरी थोड़ा ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग उसे सैलरी बोलते हैं। आपका टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे मैकेनिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच वाले, कंप्यूटर ब्रांच वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल ब्रांच वाले, ये सभी ब्रांच वाले अप्लाई करेंगे। आपका स्टाइपेंड 8000 दिया जाएगा। इसी तरीके से ITI वालों के लिए है, ITI फिटर में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रिशियन में और साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम मतलब कोपा में किया है, टर्नर में किया है और आप लोगों की अदर इसी तरीके से काफ़ी सारी ब्रांचेस दी गई हैं। जैसे देखिए, आपका फाइबर वाला, जैसे प्लास्टिक होता है, एक ब्रांच फाइबर का होता है, वेल्डर होता है, इसके लिए 7000 आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, मंथली स्टाइपेंड इतना दिया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर दिया गया है, पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन कैसे करना है आपको, और आप लोगों को इस पे अप्लाई करने से पहले NATS पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर उसे देख के अप्लाई कर सकते हैं। और ITI वालों को ITI की एक साइट होती है, उस पर जाके करना होगा, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। देखिए गाइज, जो ITI की साइड है, देखिए ये दी गई है, मैं थोड़ा उसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये ITI वालों की दी गई है और जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए ये वाली साइड दी गई है। तो आप लोग जाकर कर लीजिए, और नहीं किया है तो एक बार कर लिया तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2020, 21 और 22 के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, 2022 वाले भी एलिजिबल हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। और अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन 2020 से पहले के पास आउट हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन गाइज, अगर आपने ट्रेनिंग कर लिया है, आपको एक्सपीरियंस हो गया है या फिर एम्प्लॉय हैं आप लोग, तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ फ्रेशर ही अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई किस तरीके से करना है वो मेन रीज़न आता है अप्लाई करने के लिए। देखिए, मैं आप लोग को थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ, ये दी गई है आपकी
ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी पर आप लोगों को अपना रिज्यूम सेंड करना है। रिज्यूम सेंड करने के बाद आप लोग वहां पर अपना पूरा डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। तो ये चीज़ में मैं आप लोगों को मेन क्लियर कर दूँ। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए डिप्लोमा वाले हैं और ग्रेजुएट वाले हैं, उन लोगों को करना है NETS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, NETS पोर्टल पर, ठीक है, जिसे MHRD पोर्टल भी बोलते हैं। और ITI वालों को, अभी मैंने ITI वालों की अप्रेंटिस साइट दिखाई थी, उस पे जाके करना है। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मान लीजिए अगर आप लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन किया है तो नेक्स्ट डे ये वेरीफाई होगा। नेक्स्ट डे वेरीफाई होने के बाद आपके पास इसको क्या करना है, इसका PDF ले लेना है। ये चीज़ याद रहे, जब लास्ट फाइनल आप लोग करेंगे इसका PDF ले लेना है, क्योंकि आपको PDF हर जगह लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आप लोग ये देख लीजिए, एक भी मिस्टेक अगर आपका NETS पोर्टल पर हो जाता है तो आप लोग दोबारा कभी करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है और इस पे रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार किया जाता है। अगर आपने कर दिया है और कोई भी मिस्टेक हो गया तो आप लोग उसे किसी भी प्रकार से सही नहीं कर सकते। हो सकता है आप लोगों को अप्रेंटिस करते समय प्रॉब्लम आए, तो ऐसा कुछ मैंने इशू वैसे देखा नहीं है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सही भरते हैं। लेकिन अगर बाय द वे गलत हो भी जाता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके बाद वो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट PDF तौर पे बनाने हैं, जैसे आप लोग का डिप्लोमा का मार्कशीट, साथ में आप लोगों की 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड वगैरह, ये पूरा एकदम PDF रेडी करना है। और साथ में NETS पोर्टल का भी जो आपका रहता है रजिस्ट्रेशन, वो भी रेडी करना है। ये सब करने के बाद आपको ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पर सेंड करना है। और प्लस आप लोग रिज्यूम तो करेंगे ही, रिज्यूम में अपना अच्छा सा बायोडाटा बना के कर दीजिए। और आप लोग देखिए, कई सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया था, मैसेज भी किया था कि उनको आपको जो है जो मैंने रिज्यूम सेंड किया था वो मिल नहीं रहा है। तो गाइस मैं कोशिश करूँगी, देखिए क्या होता है ना कि मैं सेंड करने के बाद मैंने जो है ये सारे PDFs हटा दिए थे गाइस अपने जो है डिवाइस से, तो उसके कारण क्या है कि मैं आप लोग को दोबारा सेंड नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और रिज्यूम पैटर्न बना दूंगी जो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, जो मैंने खुद भी यूज़ किया था वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी और एक नया पैटर्न भी सेंड कर दूंगी, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है, लास्ट टाइम भी मैंने सेंड किया था तो काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप लोग मेरे जैसा खुद पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं वो भी मैं सेंड कर दूंगी, और आप लोग न्यू पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं तो मैं न्यू पैटर्न भी आप लोगों के लिए कर दूंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। वहाँ पर मैं ऐसी लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ जो हमारी YouTube से छूट जाती है, साथ ही आपको अप्लाई लिंक भी वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी।